वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। ये जो विवाद चल रहा है द कश्मीर फाइल्स को लेकर, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द कश्मीर फाइल्स के बारे में। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूं, क्योंकि यहां पर दो गुट बन चुका है जिसमें एक गुट का कहना एक अलग थॉट है और दूसरे गुट का एक अलग थॉट है। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस मूवी के बाद क्या क्या ऐसे जो इसमें पात्र दिखाए गए तो उसमें क्या सच्चाई है, और ये जो दो गुट अलग अलग बटे हैं तो उसमें आपको समझना होगा कि इस जो द कश्मीर फाइल जो कि 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है, तो इस मूवी में दिखाए गए सीन हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, कौन थी गिरिजा टीकू जिसके एक यहाँ पर पात्र के बारे में इस मूवी में सीन भी दिखाया गया है। इसके अलावा जो कहा जाता है यासीन मलिक जिसके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, उस आरोपी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्यों मिले, और कांग्रेस जो यहां पर दावा कर रही है कि इस सब विवाद में जो इसका रीजन है वो भाजपा रही है क्योंकि भाजपा की उस समय सत्ता थी, तो कितनी सच्चाई है, ये सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कश्मीर केस के इतिहास से और जानते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कश्मीर के इतिहास को। देखिए, सबसे पहले कश्मीर के इतिहास को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे तभी जाकर आप बाकी की चीजों को, पूरे सिनेरियो को समझ पाएंगे कि क्यों 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा और अपने ही देश में वो शरणार्थी बनकर आज भी रह रहे हैं 32 साल के बाद। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए, कश्मीर का इतिहास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक हिंदू बहुल क्षेत्र रहा है प्रारंभिक काल में। इसका जो पूरा इतिहास है वो आज का नहीं, 6000 साल पुरानी इसका पूरा इतिहास है कश्मीर का। कश्मीर का नाम पड़ा है कश्यप ऋषि के नाम पर, जो कश्यप ऋषि थे इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि कश्मीर के जितने भी मूल निवासी हुआ करते थे वो सारे के सारे हिंदू हुआ करते थे, और यहाँ से कश्मीर का इतिहास शुरू होता है। कश्मीर में कई ऐसी चीजें यहाँ पर हुई है, जैसे कि आपने मूवी के दौरान भी देखा होगा, यहाँ पर चाहे माँ सरस्वती हो या फिर यहाँ पर कई सारी, जैसे कि बौद्ध लोग रहते थे यहाँ पर, सिख लोग रहते थे, पंडितों का यहाँ पर समान रूप से यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर महाभारत युग से यहाँ पर इनका एक इतिहास रहा है। गढ़पतियार और खीर भवानी मंदिर इसी का साक्ष्य है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर महाभारत युग का एक इतिहास रहा है कश्मीर से जुड़ा। इसके अलावा गिलगिट की में पांडुलिपियां मिलती हैं जो कि पाली भाषा में लिखी है, बौद्ध लेख मिले हैं जो कि सम्राट अशोक के समय के हैं, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा एक अधिपत रहा है। हालांकि आपकी चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए कि जो चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी वो भी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जो कि कुषाण के समय सम्राट हुआ करते थे, कनिष्क के शासक, तो उन लोगों का लगभग आप देख सकते 120 से 140 ईस्वी में उनका ये यहाँ पर ये बौद्ध की संगीति हुई थी। तो यहाँ पर पंडित हो गए या फिर बुद्ध हो गए, और साथ में सिख का भी कब यहाँ पर आगमन हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो किस तरीके से कम्युनिटी बढ़ती गई, और कब यहाँ पर मुस्लिमों का मतलब मुगल साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक एक करके मैं आपको इतिहास बताता हूँ। सबसे शुरुआत में अगर मैं बात करूँ तो देखिए 6000 साल पुराना इतिहास जिसमें महाभारत युग से लेकर एक पूरा इतिहास रहा है। जिस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, बौद्ध की बात करते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया। फिर 6वीं शताब्दी तक यहाँ पर उज्जैन, जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है, उसके राजा विक्रमादित्य, इनका भी ये शासन का क्षेत्र रहा है, ये कश्मीर वाला क्षेत्र। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में आपको बताऊं तो राज तरंगणी, ये आप सभी जानते हैं कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, तो 12वीं शताब्दी में लिखी गई कश्मीर में ही। इसके अलावा 12वीं शताब्दी तक ये पूरी तरीके से हिंदू बहुल क्षेत्र रहा है। इसके बाद आता है 14th century, 14वीं शताब्दी में हुआ ये कि यहाँ पर से शुरुआत होती है फारस से, मैंने फारस से यहाँ पर ये मुस्लिमों का आना यहाँ पर शुरू होता है, और यहीं से शुरुआत होती है सूफी इस्लाम की भी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जितने भी अफगानी थे वो यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए आए और यहाँ पर कश्मीर पर उन्होंने ये पूरा ये आते गए, ठीक है, और कश्मीर पर उन्होंने आक्रमण करके यहाँ पर पहुंचे, और जैसे वो उनका यहाँ पर आगमन होता है तो जितने भी यहाँ पर बौद्ध और जितने भी हिंदू और पंडित थे तो उनको यहाँ पर मारना, काटना, बलात्कार, ये सारी चीजें उसी समय से ही शुरू हो चुकी थी। इसका इतिहास आप देख सकते हैं 14वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुका था। ये एक लंबी प्रक्रिया है, पर धीरे धीरे ये चीजें की शुरुआत उसी समय से हो गई थी। अब बात आती है यहाँ पर अकबर का भी शासन रहा है, ठीक है, अकबर के बाद फिर पठानों का, जो ये अफगानिस्तान के पठान थे उनका शासन रहा है, और पठानों के बाद फिर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह।
महाराजा रणजीत सिंह ने इन पठानों को यहाँ से मार के भगाया था, यहाँ से उनका शासन को खत्म किया था। और 18वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह, जो कि पंजाब से करते थे, जिनको शेरे पंजाब नाम की उपाधि भी दी गई थी, इनका शासन शुरू होता है और यहीं से ही सिख लोगों की जो कम्युनिटी है उसका आगमन होता है इस कश्मीर के क्षेत्र में, और सिख की आबादी फिर यहाँ पर बढ़ना शुरू होती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें घटनाएँ हुई हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घटना से आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरीके से कब कब कहाँ पर क्या चीज़ें होती गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब यहाँ पर बात आती है कश्मीरियों की, तो यहाँ पर विशेष रूप से देखिए 18वीं शताब्दी तक जब यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह थे तो यहाँ पर सिखों की और हिंदुओं की आबादी लगभग रहती थी, इसके अलावा बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा आबादी यहाँ पर बढ़ने लग गई, तो हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती गई और मुसलमानों की आबादी में यहाँ पर इजाफा होता गया, जिससे हुआ ये कि धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि यहाँ पर मुस्लिम की आबादी वो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए और जो हिंदू पहले बहुसंख्यक हुआ करते थे वो अब अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने लग गए। इसके साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये महाराजा गुलाब सिंह ने ये जो शासन है वो हरि सिंह को सौंप दिया था, ठीक है। अब हरि सिंह के पास कैसे ये गया तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लाहौर में एक संधि हुई थी, ठीक है, जो कि उस समय अंग्रेज का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो अंग्रेजों के शासन के समय में ये हुआ ऐसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा पूरी सारी चीज़ें, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से यहाँ पर एक शासन चेंज हुआ, किस तरीके से किस शासन में क्या क्या चीज़ें हुई, ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सारा पूरा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको फिर मैं आपको बताऊँगा ये पूरे कैरेक्टर्स के बारे में, जिससे आप लोग और अच्छे से समझ पाए। देखिए हुआ ये कि अंग्रेजों के द्वारा जो सिख थे उनकी पराजय हो गई 1846 में, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ होती है लाहौर की संधि। अंग्रेजों के द्वारा जो महाराजा गुलाब सिंह है उनको गद्दी दे दी जाती है। गुलाब सिंह जो थे वो एक प्रकार से कश्मीर का उनको एक स्वतंत्र शासक बना दिया जाता है, ठीक है। और ये पूरा जो क्षेत्र होता है वो गिलगित एजेंसी जो थी अंग्रेजों की, तो उनका एक राजनैतिक एजेंटों के तहत वो ये अधीन क्षेत्र, मतलब सीधी सी बात है ये जो क्षेत्र रहा है अंग्रेजों के द्वारा एक मतलब उनके अधीन क्षेत्र रहा है, उन्होंने यहाँ पर राजा बना दिया गुलाब सिंह को, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अंग्रेजों का शासन आ गया था। अब यहाँ पर महाराजा जो गुलाब सिंह थे तो उनके सबसे बड़े पौत्र थे महाराजा हरि सिंह, तो उन्हीं को ही यहाँ पर 1925 में गद्दी में बैठाया गया और 1925 से लेकर 1947 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इस समय पर, इस काल पीरियड में हरि सिंह ने बहुत अच्छे भी काम किए हैं, ठीक है। इन्होंने जैसे कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, इसको कंपलसरी इन्होंने किया, एक काम यहाँ पर इन्होंने ये किया। इसके अलावा इन्होंने कई ऐसी चीज़ें काम की हैं जो कि इस क्षेत्र के विकास को दर्शाती है, जो उन्होंने 1947 देश को आज़ाद होने के पहले तक इन्होंने कार्य किया। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने जो ये जो क्षेत्र रहा है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में उन्होंने जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको पूजा करने के लिए उनको उनको मतलब परमिशन दे दी गई थी। पहले जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको पूजा करने की परमिशन नहीं थी, तो वो भी यहाँ पर दे दी गई थी। इस तरीके से ये राजा हरि सिंह ने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर दिक्कत आती कब से वो समझने वाली बात है। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1944 से 1946 के समय में ये पूरा जो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र रहा है, आपको पता है, और देश आज़ाद होता है 47 में, तो होता यह है कि उस समय जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ ऐसी रियासतें थीं जिन रियासतों में वो रियासतें भारत के साथ मिलना नहीं चाहती थी, जैसे कि हैदराबाद के बारे में आपको पता है, जूनागढ़, कश्मीर, ये सब ऐसी रियासतें थी जो कि विलय में, मतलब वो रियासत भारत के साथ विलय में टाइम लगा रही थी, देरी लगा रही थी। और यहीं पर ही क्या हुआ कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि ये कश्मीर एक बहुत ही जटिल समस्या बन गई थी। तो कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक थे उस समय, पंडितों की तादाद कम नहीं थी, लेकिन वो मुसलमान की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हुआ करती थी। अब कश्मीर की सीमा जो है पाकिस्तान से लगने के कारण यहाँ की समस्याएं कई ज़्यादा थी। अब यहाँ पर कई दिक्कतें आई। एक चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पर आप लोग को, देखिए एक तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय जिन्ना जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे,
तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा विश्वास था जिन्ना के ऊपर कि वो इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, जबकि जो जिन्ना थे वो विश्वास पात्र बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री होगा वो कितना विश्वास लायक होगा भारत के, वो भी। तो उसने क्या हुआ कि बिल्कुल भी उनको भरोसा नहीं था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि वो कश्मीर में खून की नदियां बहाने का प्लान बना रहे हैं। और हुआ भी यही, उन्होंने जो कबायली लुटेरे होते हैं उनकी भेस में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में उसने भेज दिया। किसने? जिन्ना ने। और वर्तमान में का ये जो पूरा पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर खून की पूरी उन्होंने पीओके वाले क्षेत्र में खून की नदियां उन्होंने बहा दी। इस खूनी खेल को देखकर जो कश्मीर के उस समय के शासक रहे राजा हरि सिंह, वो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा डर गए, और वो डर के आ गए कहाँ पर? जम्मू, ठीक है। और उन्होंने फिर फाइनली भारत सैनिक से सहायता मांगी, ठीक है, और भारत सेना से सहायता मांगने के बाद फिर उनको सहायता दी भी गई, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि ये सब करने में, सहायता लेने में उन्होंने बहुत देर कर चुके थे, और ये जो पीओके वाला जो एरिया है इन सब पे पूरा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। क्योंकि बताना कि नेहरू ने मतलब जिन्ना से दोस्ती थी, तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि जिन्ना ऐसा कुछ करने वाले हैं या ऐसा कुछ कभी करेंगे। तो हुआ ये कि भारत के विभाजन के समय ये पूरा मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी काफी ढुलमुल नीति थी, और साथ में इस तरीके से कि कश्मीर का मामला आज भी अनसुलझा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उनका है। इसके अलावा देखिए, अब होता ये है कि जब ये विवाद चला, अब वहां पर सेना गई और सेना ने पूरे छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तानी जो सेना आई थी यहाँ पर कब्जा करी और इनको यहाँ से भारत की जमीन से हटाना शुरू हुआ। तो भारत के जब वहां पर सैनिक अपना काम कर ही रहे थे तो यहाँ पर रुक जाना था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो रुकने की बजाय क्या हुआ, 31 दिसंबर 1947 को पहुंच गए कहाँ पर? यूएनओ में पहुंच गए। और यूएनओ में पहुंच के वो क्या करते हैं, यूएनओ से अपील करते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा वो जो वहां की सेना है वो उत्तर पश्चिमी लुटेरों के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर रही है, तो यहाँ पर शांति बहाल की जाए। तो जैसे 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध विराम की घोषणा की गई, तो जो सेना जहां जहां पर थी, जो कि भारतीय सेना जो थी कश्मीर में मतलब वो पूरा कश्मीर जो घाटी पर कब्जा हटाने का प्रयास कर रही थी उसको में सफल नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि जब वो आगे बढ़ ही रही थी ये जो पीओके वाले क्षेत्र को खाली करवाने के लिए, तो वहीं पर युद्ध विराम लग गया, और युद्ध विराम की वजह से भारतीय सेना को वहीं पर रुकना पड़ा, आगे वो नहीं बढ़ सके। अगर उनको मौका दिया गया था होता, अगर वो यूएनओ उस समय युद्ध विराम ही लगाता, तो आज जितना ये विवाद पीओके को लेकर है तो ये विवाद कब का समाप्त हो गया होता, ये विवाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये पूरी ये जो पूरा क्षेत्र है ये भारतीय सेना पूरे खाली करवा देती पाकिस्तानी सैनिकों से। लेकिन हुआ ये बिल्कुल भी नहीं, और जो महाराजा हरि सिंह के माध्यम से यहाँ पर साइन करा दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया महाराजा हरि सिंह ने पूरा जो भारत में मिलने का के लिए यहाँ पर इसी शर्त में ही सेना को भेजा गया था, ठीक है, कि वो भारत में मिलने के लिए तैयार, तब जाके भारतीय सेना वहां पर गई थी। और इस तरीके से वो जो क्षेत्र था जहां जहां पर ये युद्ध विराम हुआ, तो वही एक नियंत्रण रेखा बन गई है, जिस वजह से वहां पर ही आप देखिए लगातार फायरिंग और घुसपैठ होती रहती है। भारतीय जो राजनेता थे उस समय उनको सब कुछ मालूम था, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, लेकिन फिर भी वो चुप थे, क्योंकि उनको भारत से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता थी, गठजोड़ की चिंता थी, सत्ता में बना रहने की चिंता थी, और एक तो ढुलमुल उनका रवैया था। और इसी की वजह से एक और घटना होती है, ऑपरेशन टोपाक। ये ऑपरेशन टोपाक इस तरीके से है कि यहाँ पर देखिए जो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पर ट्रेनिंग चल रही है, और वो ट्रेनिंग करा रहा है पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आतंकवादियों की ट्रेनिंग दे रहे हैं कश्मीर पर हमला करने के लिए। और वो ट्रेनिंग का कैंप को उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां पर ट्रेनिंग देने लग गए, और कहीं ना कहीं से वो कश्मीर से लगा क्षेत्र है तो कश्मीर के युवाओं को भी उससे प्रेरित करने लगे, और यहाँ के लोगों को भी उस ट्रेनिंग में शामिल करने लगे, जिसमें से वो लोग फिर आगे चलकर भारत के अंदर विवाद पैदा कर सके और भारत की शांति को भंग कर सके। इसके लिए ये पूरा चला, और इसके लिए लगातार स्वयं यहाँ पर उस समय के जो लोग थे उन्होंने लगातार यहाँ पर इन्फॉर्म भी करते गए भारत को, लेकिन एक मैंने कहा ना कि एकदम धुलमुल रवैया था, बिल्कुल उसको एकदम कोई भी उस पर
रिस्पॉन्स नहीं किया जाता था, उसको सीरियस नहीं लिया जाता था, जिस वजह से ये आगे बढ़कर बहुत बड़ी एक बोल सकते हैं सरेआम यहाँ पर पाकिस्तानी झंडे लहराना, आपने मूवी का सीन भी देखा होगा जिसमें वहाँ पर पाकिस्तान की करेंसी चल रही है, और ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है। और इसी के वजह से यहाँ पर 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को 1990 में विस्थापित होना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विस्थापित होने की जो प्रक्रिया है ये एकाएक 1990 में नहीं हुई, ये काफ़ी सालों से धीरे धीरे होती गई। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये धीरे धीरे उनको विस्थापित करना, उनको मारना, उनको उनके महिलाओं के साथ गलत कृत्य करना, बलात्कार करना, ये सारी एक्टिविटी कई सालों से चलती गई। और जैसे जैसे पहले वो छिप के ये काम करते थे, फिर जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया तो खुलेआम ये सारी चीज़ें होने लग गई। और फिर ये 1990 की जो घटना हुई ये एक मैंने इस तरह से बड़ी एक घटना होती है। इसके पीछे समझने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर समझना होगा कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई। देखिए, इसकी शुरुआत जो हो गई थी 1984 से ही हो गई थी, 1984। आपको पता है सिख दंगा हुआ था 1984 में। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये पूरी चीज़ें बनी, वो मैं आपको समझाता हूँ। इंदिरा गांधी जो थी, तो इंदिरा गांधी चाहती थी गुलाम शाह को यहाँ का सीएम बनाना, ठीक है। 1984 में चाहती थी वो किसको सीएम बनाना, गुलाम शाह को, कौन यहाँ पर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी, ठीक है। फारूक अब्दुल्ला जो थे, देखिए फारूक अब्दुल्ला का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। फारूक अब्दुल्ला जो थे ये चाहते थे कि मुझे भी यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए कश्मीर का, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती थी इंदिरा गांधी फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाना, वो किसको चाहते थे, गुलाम शाह को बनाना। फिर जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई, ठीक है, राजीव गांधी जब सत्ता में आए तो 1986 में फाइनली बनाया गया सीएम, किसको बनाया गया, फारूक अब्दुल्ला को बनाया गया। राजीव गांधी के क्योंकि ये मित्र थे, जिसके वजह से मित्रता की वजह से फारूक अब्दुल्ला को क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया उस समय राजीव गांधी की वजह से, ठीक है, 1986 में। अब यहाँ पर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात आती है, ये चीज समझना कि इस समय में, मतलब जब ये समय चल रहा है उस समय में एक और घटना होती है इंपॉर्टेंट, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि जब आप उसको समझ जाएंगे तो पूरी राजनीति आपको समझ में आ जाएगी। जो कांग्रेस ने, स्पेशली केरल कांग्रेस ने कुछ समय पहले जो ट्वीट किया है कि उस समय बीजेपी की समर्थित वीपी सिंह, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह उनका पूरा नाम है, वो प्रधानमंत्री थे जो कि भाजपा के थे। इसके अलावा जो केरल के गवर्नर थे तो वो जगमोहन जी, वो भी भाजपा के थे। तो भाजपा के शासन में इस तरह से हुआ और कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में बात क्या थी। तो देखिए, वीपी सिंह जो थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो 1984 में 31 दिसंबर में ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के, वित्त मंत्री हुआ करते थे भारत के 1984 में। किसके सरकार में, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब के साथ उन्होंने काम किया है, तो इनके शासन में ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। अब ये राजीव गांधी के बहुत ही प्रेमी थे, बहुत ही करीबी थे, क्योंकि सीधी सी बात है, ये राजीव गांधी से टकराव इनका कब शुरू हुआ, वीपी सिंह का, इनका टकराव शुरू हुआ 1985-86 के बाद। हुआ क्या 1986 में ऐसा, तो देखिए राजीव गांधी से टकराव लगातार चालू हो गया बोफोर्स की वजह से। देखिए बोफोर्स का जो मामला है वो आज भी अभी भी पेंडिंग है। बोफोर्स में ये यहाँ पर कई करोड़ों की यहाँ पर जो डील में जो की गई थी उसमें घोटाला किया गया था कमीशन देकर, तो उसमें राजीव गांधी का नाम आता है, जिसके वजह से वीपी सिंह जो थे वो खुलकर बात वो रखने लग गए और इसी वजह से राजीव गांधी के साथ टकराव हो गया। और 1989 में, 1989 में ने कांग्रेस से निष्कासित किया गया था वीपी सिंह को 1989 में। बड़ा ध्यान से समझिएगा, 1989 में यहाँ पर क्या हुआ था, कांग्रेस से उनको निष्कासित किया गया था वीपी सिंह को, ठीक है। और उसी समय सरकार चेंज होती है, सरकार, केंद्र की सरकार चेंज होके कांग्रेस से सत्ता चेंज होके आ जाती है यहाँ पर गठबंधन के साथ, जिस गठबंधन में भाजपा भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाते हैं वीपी सिंह प्रधानमंत्री। तो देखिए उस समय गठबंधन की सरकार थी और एक कमजोर सरकार थी, ठीक है। वीपी सिंह उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पर किस परिस्थितियों में बने और वो कांग्रेस में थे, 1989 में उनका निष्कासन हुआ है, फिर जाके वो यहाँ पर, अब देखिए किस तरीके से आगे बढ़ती चीजें। अब 1989 में इनकी एक और घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1989 में जो गृह मंत्री हुआ करते थे महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती आपको पता है पीडीपी की नेता है, तो इनके पिताजी, इनके पिताजी जो ना है यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ये हैं पिताजी उनके, तो उनके पिताजी जो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये गृह मंत्री हुआ करते थे देश के 1989 में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर एक घटना होती है कश्मीर में, जो इनकी बहन है, ठीक है, इनकी बहन ये महबूबा मुफ्ती की बहन, जिसका छोटी बहन का नाम है रूबिका सईद, ठीक है, ये रूबिका सईद को आप देख सकते हैं, इनका हो जाता है किडनैप, अपहरण। अब इस अपहरण के बदले 1989 में 1989 में इनके अपहरण के बदले कई सारे आतंकवादियों को भारत की जेल से छोड़ा जाता है। ठीक है, अब यही आतंकवादी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कश्मीर में पंडितों के ऊपर जो अत्याचार होता है आगे चल कर 1989 के बाद 90 तक, उसके सबसे बड़े बहुत बड़े इसका रोल रहता है इन्हीं आतंकवादियों को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको पूरा इस तरीके से प्लान किया गया था कि ये अपहरण होना और अपहरण के बदले में उन आतंकवादियों को छोड़ना और वही आतंकवादियों का इस कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर विस्थापित होने के लिए मजबूर करना, उनके ऊपर नरसंहार करना, ये जेनोसाइड के पीछे इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। तो पूरी तरीके से ये अब ये जाँच का विषय है, लेकिन पूरा तरीके से इस तरीके से यहाँ पर प्लान किया गया था जिसके माध्यम से ये अपहरण हुआ यहाँ पर उनकी छोटी बहन रूबिका शहीद का। और ये सारी घटनाएं देखेंगे आप लोग 1988 से लेकर 89 के बीच में, आप पूरी चीज बता रहा हूँ, 1989 में ही ये घटना हुई, जो कि उस समय सोचिए गृह मंत्री जो इनके स्वयं के पिताजी थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर भी वो इतना भी नहीं कर सके कि अपनी बेटी को वो छुड़वा नहीं सके और अपहरण के बदले में आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते जाइएगा कि चीजें किस तरीके से बदलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जगमोहन जी के बारे में। ठीक है, क्योंकि जगमोहन जी के बारे में आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि पूरे जितने लोग हैं, ठीक है, तो उनका मानना यह है कि जगमोहन जो है राज्यपाल उस समय थे। और ये भी बता देता हूँ जगमोहन जी भी जो उस समय भाजपा के नहीं थे, ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको, तो वो राज्यपाल थे, कांग्रेस ने उनको बनाया था, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो अपने राज्यपाल बनाएगी, वो दूसरे व्यक्ति को जो दूसरे पार्टी से रिलेटेड, वो क्यों उनको बनाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको पात्र आपने ये देखा होगा जिसको उनके पति के मौत पर एक चावल खून से सने चावल को खिलाया जाता है, ठीक है, तो ओरिजिनल फोटो इनकी वो है, गिरजा टिकू उनका नाम था, जिनके साथ जो मूवी में दिखाया भी गया है वो केवल 30-35% दिखाया गया है। एक्चुअल में इनके साथ जो घटना हुई थी ये बहुत ही भयावह थी, कई सारे लोगों ने सामूहिक इनका गैंगरेप किया था और उस बॉडी के पास में कई सारे लोगों ने फिर डांस किया था। इवन ऐसे यहाँ पर घटनाएं होती थी कि जो इनका मांस होता था वो तक खाते थे, मतलब इंसान का मांस तक उन लोग खा लेते थे पकाकर, इस तरह से भयावह घटना हुई है। और बीच में से आरी में से फिर काट के शरीर के दो टुकड़े यहाँ पर कर दिए जाते हैं, ये पूरी सत्य घटना है जो आप इसके ऐसे कई सारे घटनाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोज को। इतनी सारे लाशें बिछाई जाती थी और इतने सारे पूरे लोगों को मार दिया जाता था और कहा जाता था कि जो औरतें हैं बेटी उनको छोड़ दो यहाँ पर और जितने पुरुष हैं वो यहाँ से चले जाएं या उनको मार दिया जाएगा। ऐसे कई सारे लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सतीश टिकू, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के बारे में। और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो पहला जो व्यक्ति को मारा गया वो RSS से बिलोंग करते हैं, वो RSS लीडर हुआ करते थे। अब यहाँ पर जो बिट्टा है, अहमद दार बिट्टा कराटे, उसने भी अपने इंटरव्यू में कबूला था कि उसने 20 से ज्यादा लोगों को मारा था, जिसमें से पहला उसने RSS के जो लीडर थे उसको मारा था। और आज तक वो बाहर हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक जांच के आदेश के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी जल्दी, और एक वहाँ पर कंप्लेन उनकी की गई है। और उनको 2019 में इनको किया गया था क्योंकि इनके ऊपर कई ऐसे दूसरे देश से पैसे लेकर यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की वजह से इनको जेल हुई है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए इतने सालों तक 2019 के पहले इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगे, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनको बीच में कुछ समय के लिए जेल में भेजा भी गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उनको वापस से छोड़ दिया गया, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग हैं जहाँ जो यहाँ पर आप इनकी कहानी, इनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत ही भयावह किया गया था, इवन यहाँ तक कि उनके शरीर के अंग होते थे वो काट लिए जाते थे, प्राइवेट पार्ट काट दिए जाते थे, जो स्किन होती थी वो जीते जी माने जिंदे में पूरी स्किन निकाल ली जाती थी शरीर से। ऐसे कई सारी यहाँ पर भयावह घटना है। और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि कितने सारे घर, कितने सारे बेघर हो गए, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा ये पूरी घाटी से। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्पेशली कांग्रेस का कहना यहाँ पर ये है कि कई सारे मुसलमानों को भी मारा गया, लेकिन उसको मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझने वाली बात है कि अगर कश्मीरी मुस्लिमों को यहाँ पर दिक्कत थी,
जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं के साथ ये जो अत्याचार हुआ, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में उनको विस्थापित होना पड़ा, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी को इस संख्या में विस्थापित नहीं होना पड़ा। यहाँ पर केवल उन मुस्लिमों की हत्या हुई, दो तरह की मुसलमानों की हत्या हुई। बहुत ही कम ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने वाकई जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ रखी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको सपोर्ट करने की, उनकी मदद करने का, मतलब हिंदुओं की मदद करने का प्रयास किया, तो उन मुस्लिमों को यहाँ पर मारा गया और इनकी तादाद बहुत ही कम है। इसके अलावा दूसरा उन मुस्लिमों को मारा गया जो कि केंद्र सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो पुलिस में रहे हों या केंद्र सरकार के किसी भी तरीके से लोग जुड़े हुए हों, तो उन लोगों को, क्योंकि वो सरकार से जुड़े हुए हैं ना कि आतंकवादियों के बातों से वो समर्थन रखते हैं, तो उन लोगों को मारा गया केवल। बाकी जाति के आधार पर मुसलमानों को किसी को नहीं मारा गया, वो केवल हिंदुओं को ही यहाँ से मार के भगाया गया। और अगर मुस्लिमों को भी यहाँ पर से भगाया गया होता तो आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र कश्मीर नहीं होता, सारा कश्मीर घाटी खाली हो गया होता, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं से आज वो घाटी लगभग लगभग वहाँ पर हिंदुओं की आबादी बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल की तरह पूरे लोग वहाँ से खाली होकर पूरे देश भर में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, तो उसी तरीके से कश्मीर के मुस्लिम भी शरणार्थी की तरह पूरे देश भर में रह रहे होते और कश्मीर में कोई भी मुसलमान नहीं रहता, उतनी आबादी रहती जितनी हिंदुओं की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं राज्यपाल जगमोहन जी के बारे में, क्यों जरूरी है, क्यों 370 धारा हटने के बाद यहाँ पर अमित शाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलने गए थे यहाँ पर जगमोहन जी से, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, तो अब यहाँ पर समझते हैं कि ये हैं कौन और क्यों यहाँ पर इतना विवाद हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो बरगलाया जा रहा है कि उस समय जगमोहन जी की गलती थी या फिर वीपी सिंह सरकार की गलती थी, भाजपा इनके साथ अलायंस था, भाजपा के शासन था, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा जो मैंने आपको घटना बताई ये 1984 के बाद ही शुरू हुई थी। लगातार वहाँ से पूरे जितने आतंकवादियों की ट्रेनिंग देना और यहाँ पर उन लोगों को भेजना और ये सारी चीज़ें पहले छिप कर होता था, मतलब बलात्कार और लोगों को मारना, फिर धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ने लग गया तो 1988 के बाद बहुत सारी जो घटना पब्लिक डोमेन में एकदम पब्लिकली होने लग गई थी। ठीक है, और ये सब की जानकारी केंद्र की सरकार को पता चल रही थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी 1990 को पलायन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब ये 19 जनवरी को ही मेन उनका पलायन हुआ था, इसलिए पलायन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये डेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि वाकई दोषी कौन था। देखिए, 19 जनवरी के ही दिन, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि जगमोहन जी ने 5 साल पूरा अपना कंप्लीट राज्यपाल के तौर पर पहले कंप्लीट वो कर चुके थे 1990 के पहले, दोबारा यहाँ पर उनको मौका मिला था, दोबारा यहाँ पर गवर्नर बने 19 जनवरी 1990 में। ये वही डेट है, इसी की ही रात में गवर्नर का चार्ज मिलता है यहाँ पर किनको, जगमोहन जी को। ध्यान से रखना, ये वही डेट है जिस डेट के दिन उसी दिनांक को पूरे कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर घाटी छोड़कर जाना पड़ता है और उसी ही डेट को गवर्नर का चार्ज मिलता है जगमोहन जी को। मतलब जो भी घटना है वो घट चुकी होती है यहाँ पर गवर्नर का चार्ज जगमोहन जी को मिलने के पहले ही। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि वो उस समय का समय होता है 19 जनवरी का, जो कि सर्दियों का समय होता है और सर्दियों की राजधानी जम्मू को कहा जाता है, तो वो घाटी में नहीं होते, घाटी में ये सब घटनाएं हो रही थी और घाटी में 19 जनवरी के दिन जगमोहन जी नहीं थे, वो कहाँ थे, जम्मू में थे। और उन सभी को पता था, जितने भी आतंकवादी लोग थे, जितने भी बड़े लोग थे, कि जितने भी सिविल और सैन्य अधिकारी हैं वो सब उनके स्वागत के लिए, जगमोहन जी के स्वागत के लिए कहाँ जाएंगे, जम्मू में। और उसी रात को ये खेल हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि जगमोहन जी जो थे वो पहली बार ये ऐसे कार्यकाल में थे जो कि कमजोर प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह उधर क्योंकि गठबंधन की सरकार में काम कर रहे थे, इसके पहले वो नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी के साथ काम कर चुके थे, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जगमोहन जी काम कर चुके थे और यहाँ पर विशेष रूप से इमरजेंसी का जो विवादों का दौर था उसमें भी उन्होंने बहुत मजबूती के साथ काम किया था कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर। अब जगमोहन जी को यहाँ पर कश्मीर भेजा गया। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे चीज़ों को समझना। देखिए, अब एक सवाल जो पूछा जाता है, बोला जाता है जगमोहन तो भाजपा के थे, तो एक बात ये बताइए कि जब गांधी परिवार के जब ये करीबी थे तो वीपी सिंह जो थे, जो कि माना जाता है कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो फिर उनको कश्मीर क्यों भेजा गया? तो इस सवाल के जवाब में देखिए आपको समझना होगा कि दरअसल जो वीपी सिंह सरकार थे उसके गृह मंत्री कौन थे, जो मैं आपको बताया, महबूबा मुफ्ती के पिताजी, कौन, मोहम्मद सईद। तो ये क्या थे, कांग्रेस में थे। ठीक है, उनकी अरुण नेहरू जो थे उनकी जगमोहन से अच्छी दोस्ती थी। इस वक्त जो कश्मीर में सरकार थी किसकी, मुफ्ती के सबसे बड़े दुश्मन और उनकी बेटी महबूबा के
मतलब बेटी जो आपको पता है महबूबा मुफ्ती के आज का शुभचिंतक है फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। तो इनके ये थे। अब विशेष रूप से आपको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, तो यहाँ पर ये एक चीज समझने वाली बात है कि जो महबूबा मुफ्ती के पिताजी हैं, ठीक है, तो इनकी अच्छी दोस्ती थी किसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मुफ्ती को अच्छे से पता था कि अगर जगमोहन को गवर्नर बनाकर कश्मीर भेजा जाएगा तो फारूक अब्दुल्ला फौरन फौरन क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो जगमोहन को पसंद नहीं करते थे। वो मुफ्ती जो होते वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुफ्ती खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और यहाँ पर कौन थे, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। इस वजह से जगमोहन को यहाँ पर भेजा गया, ठीक है, जगमोहन जी को यहाँ पर गवर्नर बनाकर भेजा गया। और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी एक मतलब जो एक साजिश थी, जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी यहाँ पर भजाया गया। और उस समय आपको पता है कि मस्जिदों से आवाज़ आती थी और मस्जिदों से पूरा सपोर्ट किया जाता था, वहाँ से लोगों को कहा जाता था कि यहाँ पर आप अपनी औरतों को छोड़कर जाइए, यहाँ पर छोड़ दीजिए अदरवाइज आपको मार दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा यहाँ पर चीज़ें हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको, समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर 19 जनवरी 1990 को आतंकवादियों को खुली छूट मिल गई, ठीक है, और जिससे उसका बड़ा पलायन भी हुआ। कश्मीर फाइल्स में आप देखते हैं कि ये पलायन का सबसे बड़ा जो विलेन था बिट्टा कराटे, जिसका पूरा नाम फारूक अहमद डार है, तो ये जो था विशेष रूप से देखिए ये फारूक अब्दुल्ला के घर जाता है, ऐसा मूवी में भी दिखाया गया है। तो मुफ्ती और फारूक जो है ना, इन दोनों को बखूबी पता था कि गवर्नर के लिए जो स्वागत है उसके में पूरे सारे अधिकारी वहां पर जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा कहर कश्मीरी पंडितों पर यहां पर टूट पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरा प्लानिंग के तहत यहां पर होता है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये मसीहा के रूप में यहाँ पर जगमोहन जी आते हैं, क्योंकि जब ये घटना हो गई तो उसके बाद उनको नियुक्ति हुई थी लगभग वही दिन 19 जनवरी के दिन, और उसके बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट वो करते हैं, चाहे वो कैंप में हो या फिर जगमोहन जी उनके उत्थान में। इसी वजह से जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो जगमोहन जी को अपना मसीहा मानते हैं, ठीक है। तो अगर वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते तो वो मसीहा उनको क्यों मानते, ठीक है, क्योंकि कई सारी शरणार्थी कैंप में जो कश्मीरी पंडित रहते थे तो उनकी कई सारी जो गंदगी से बीमारियां होती थी उसकी वजह से कई लोगों की मौतें हुई थी उस कैंप में भी, वहां से जाने के बाद भी। तो ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि यही ये जगमोहन वही जगमोहन जी हैं जिन्होंने जो वैष्णो माता का जो मंदिर है ना उस श्राइन बोर्ड बनाया था उन्होंने, जिससे वैष्णो देवी धाम पर जो भी तमाम सुविधाएँ दी जाती हैं, हजारों लोगों को जो रोजगार मिला वो इन्हीं की वजह से ही मिला। और जो हिंदू श्रद्धालु जाते हैं पर्यटक की वजह से कई सारे वहाँ पर जो बढ़ोतरी होती है जीडीपी में भी, इसका सबका सबसे जो मेन मुखिया जो थे जो इसके लिए बोले जाते इस काम को किया वो जगमोहन जी ने किया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जिम्मेदारी किसकी थी। तो देखिए कुल मिलाकर आप समझेंगे अगर कि पूरी घटना को, कि एक घटना का मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि इसका क्या ऐसा मैं मैंने किन के आधार पर ही बात कह रहा हूँ। तो देखिए एक किताब है जो आईबी के अधिकारी रहे हैं मलय कृष्ण धर, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उन्होंने ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस अनवील्ड, ठीक है, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि अफगानिस्तान के नजीबुद्दौला, ठीक है, अफगानिस्तान के नजीबुद्दौला ने कई बार भारत सरकार को संदेश दिया था कि कश्मीरी लड़कों को अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंपों में क्या दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। और ट्रेनिंग देकर क्या किया जा रहा है, तो और उस समय एक बात और बता देता हूँ, जब ये अफगानिस्तान के नजीबुद्दौला ने भारत सरकार को संदेश दिया उस समय पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो हुआ करती थी, ठीक है। बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी को इतना भरोसा था बेनजीर भुट्टो के ऊपर, क्योंकि इनकी दोस्ती थी, किनकी दोस्ती थी, बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी जी की, तो इनकी दोनों की दोस्ती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको बिल्कुल भी मतलब पूरा भरोसा था राजीव गांधी को बेनजीर भुट्टो पर, इतना ज़्यादा भरोसा था कि यहाँ पर अफगानिस्तान के नजीबुद्दौला बार बार भारत सरकार को संदेश दे रहे हैं कि कश्मीर के लड़कों को अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान ट्रेनिंग करवा रहा है, जो कि आपके ही कश्मीर में जाके बाद में हमला करेंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। बाद में यही लड़के जो थे 1989-90 में आकर कश्मीर के आतंक के बड़े चेहरे बन जाते हैं। किसी को शायद पता ना हो कि कुल मिलाकर ये पूरी जो घटना थी अगर आप देखिए तो यहाँ पर पूरा प्री प्लान तरीके से किस तरीके से एक तो केंद्र की सरकार में एकदम जो उस वक्त हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना लगातार कई सालों का ही परिणाम था, कोई एक दिन की घटना नहीं है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे पूरा यहाँ पर क्लू मिल रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। जो उस समय के फारूक अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो
सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था, क्योंकि अब उनको भी पता था कि फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा दे देंगे जब यहाँ जगमोहन जी को गवर्नर बना दिया जाएगा। तो गवर्नर जानबूझ के 19 यहाँ पर जनवरी को बनाया गया उनको, ठीक है, कि जिससे फारूक अब्दुल्ला नाराज हो जाए और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, तो बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जवाबदारी से भी बच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वो यहाँ पर इस्तीफा दे के अपना विदेश चले गए और फिर 5-6 साल के बाद फिर वो भारत वापस आते हैं, तब तक यहाँ पर पूरा कांड हो जाता है। तो कुल मिलाकर, और वो फिर आपको पता है कि वहाँ इमरजेंसी लग जाती है, फिर भारतीय सेना फिर पूरे जितने ये आतंकवादी होते हैं इनका पूरा सफाया करती है फिर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये घटना हुई और किस तरीके से यहाँ के लोगों ने यहाँ पर ये पूरा एक प्री प्लान तरीके से यहाँ पर पूरी घटना को अंजाम दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस पर ये सवाल क्यों उठते हैं और क्यों यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। और एक बात और बताऊंगा, यहाँ पर एक जो एक मूवी में भी आपने सीन देखा होगा, कृष्णा पंडित के पिता का जो आतंकवादियों के सामने जो गेहूं के एक बड़े से ड्रम में वो छुप जाता है, जो लेकिन उसके जो पड़ोसी रहते हैं वो इशारा करके आतंकवादियों को बता देते हैं कि वो कहाँ छुपा हुआ है, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये असली कहानी है टेली कम्युनिकेशन ऑफिसर बीके गंजू की, ठीक है, ये बीके गंजू उनका नाम था, ठीक है। तो ये उनकी कहानी है और ऐसी कई सारी कहानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। ये उस वक्त की टिकट है जो ट्रकों में भर भर के महिलाओं को यहाँ से पुरुषों को भेजा जाता था, ठीक है, तो वो कुछ भी अपनी व्यवस्था करके जो गए अपनी जान को बचाने के लिए दिए, उस वक्त की टिकट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो घटना है जिसके बाद जिक्र मैं कर रहा था, तो ये कहानी है टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर बीके गंजू की, जो कि यहाँ पर बेटे को साथ में लेकर आतंकियों ने जो जिस बूढ़े बाप की हत्या की थी। तो ये कहानी का जो एक्चुअल में इनका नाम है ये है सर्वानंद कॉल, है ना, तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर हत्या होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और कहानी है जो सर्वानंद कॉल जी की है, ठीक है, सर्वानंद कॉल जी के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कश्मीरी पोएट हुआ करते थे, ये फोटो आप इनकी देख सकते हैं, और ये बड़े शानदार व्यक्ति थे, इन्होंने भगवद गीता का कश्मीरी में अनुवाद किया है और ये हमेशा कुरान को अपने पास रखते थे। जो गांव के लोग होते थे इन पर काफी भरोसा करते थे, लेकिन इनको भी मार दिया गया। कई ऐसे दर्दनाक कहानियां हैं जो कि आप जगमोहन जी की जो किताब थी, जो कि उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आज तक सोचिए कि किसी भी कमेटी ने इन परिवार से मिलने की कोशिश तक नहीं की, जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनसे। अब बात आती है कि कांग्रेस पर इतने सवाल कैसे उठते हैं, तो देखिए बात आती है कि कांग्रेस भले उस वक्त सत्ता में नहीं थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कम भी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या तो थी 370 धारा, आपको पता 370 धारा की वजह से कितनी सारी मुश्किलें हुई और 370 धारा को फाइनली 2019 में हटाया गया, ठीक है। इसके अलावा 35A भी साथ में, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ये भी है कि किस तरीके से सरकार ने बहुत सारे उनको क्लू मिल रहे थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, पाकिस्तान का सपोर्ट किया गया, पाकिस्तान पर पूरा भरोसा किया गया, जिसके वजह से 19 जनवरी के कांड के लिए जो जिम्मेदार था बिट्टा कराटे, वो नेशनल टीवी पर इंटरव्यू खुलेआम ये कबूल करता है कि 20 हत्याएं उसने किया है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी छुट्टा इस तरीके से घूमता है। यासीन मलिक, सोचिए यासीन मलिक भी जो मकबूल भट्ट, ठीक है, ये इसको फांसी देने वाला जो जज था, देखिए क्या था कि जो मकबूल भट्ट जो था ये है JKLF का सह संस्थापक। देखिए JKLF जो है ये इसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। JKLF ये जितने भी अलगाववादी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके बारे में, JKLF ये जो पार्टी है ना, जो जिसके ये सब नेता हैं, ये जितने भी यहाँ पर यासीन मलिक से लेकर जितने भी आप दिख रहे हैं, तो ये जो फोटो आपको दिख रही है, तो ये फोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है मकबूल भट्ट, ठीक है, ये जो व्यक्ति है इसका नाम है मकबूल भट्ट। अभी मकबूल भट्ट ने JKLF की स्थापना करी, ठीक है। अब इसको फांसी देने का यहाँ पर एक जज है, जिस जज का नाम है समझिएगा नीलकंठ गंजू, ठीक है, नीलकंठ गंजू जो जज थे उन्होंने फांसी देने का ऑर्डर करते हैं, और यासीन मलिक जो है इसी कई माने जो जज है, जिस जज ने उसको फांसी देने की सजा सुनाते हैं, तो उसको मार देता है। और इस हत्या का BBC का जो एक शो था, ठीक है, हार्ड टॉक करके, उसमें इसने कबूल भी किया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये कबूलनामे के बाद भी, माने यासीन मलिक ये कबूल कर रहा है कि मकबूल भट्ट को
जो फांसी की सजा सुनाने वाला जो जज है उसको मैंने मारा है, ये सब करने के बावजूद भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे आतंकवादियों से मिलते हैं, इवन ऐसे ये जो आतंकवादी ऐसा छोटा मोटा आतंकवादी इसने सभी जितने भी पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं उन सबके साथ मिला। यहाँ पर इमरान खान के साथ दे सकते हैं, हाफिज सईद जो बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा आतंकवादी है उसके साथ यहाँ पर आप दे सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं नवाज शरीफ के साथ, मतलब इस सब के साथ आप देख सकते हैं। तो ऐसे आतंकवादी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी पत्नी को भी आप देख सकते हैं, ये पत्नी है इसकी। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं मनमोहन सिंह का उनसे मिलना, इसके अलावा राजीव गांधी का अपने दोस्ती की वजह से, मतलब बेनजीर भुट्टो की दोस्ती के चलते नजीबुद्दौला इतना चेतावनी दे रहा है उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। केरला कांग्रेस का कश्मीरी पंडितों से जो इन्होंने जो ट्वीट किया था तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस का ही गुनाह है, वो दूसरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, विशेष रूप से यहाँ पर ये समझने वाली बात है यहाँ पर आप लोग के लिए कि इस सब चीजों में, ठीक है, कोई भी यहाँ पर मतलब रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है, क्योंकि सामने इंटरव्यू में कोई व्यक्ति अगर ये कबूल कर रहा है तो इसका मतलब वो आरोपी है, और यहाँ पर कश्मीरी पंडितों ने भी कई बार कहा है कि कौन आरोपी है, उसके बावजूद भी आज तक इसकी जाँच नहीं होना, और ऐसे सोचिए कि 32 साल से ऐसे कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में एक विस्थापित होकर रहना पड़ रहा है, रिफ्यूजी की तरह शरणार्थी की तरह रहना पड़ रहा है, और आज तक ना इनके ऊपर कोई सुनवाई होती है, ना इनके ऊपर कोई सोचा गया, ना इनको वापस इनके जमीन दी गई, ना इनके घर वापस लौटाया गया, और इनके जो आतंकवादी थे इनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई, और 2019 में इनको जेल में तो हुई लेकिन 2019 तक का समय लग गया इनको जेल होने में, हालांकि इनके ऊपर कार्रवाई के जो अभी इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर ऑर्डर, ये सारी चीज़ अभी नहीं हुई है, इसके लिए समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द हो, जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनकी सजा सुनाई जाए, कड़ी से कड़ी सजा सुनाने के साथ में जो ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिनको विस्थापित होना पड़ा, जिनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, तो इसके बदले में उनको अगर उनके घर भेज दिया जाता है तो उतना सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन उनको एक शांति माहौल, एक उनके जो भी संपत्ति रही है, जो भी उनका अधिकार रहा है, वो सारे चीज़ें वहाँ पर उनको वापस से दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपने कल्चर के साथ, अपने ज़मीन में, अपने लोगों के साथ वहाँ पर रह सकें और शांतिपूर्ण तरीके से एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकें, क्योंकि हमारा कश्मीर हमारा मस्तक है, और इस मस्तक में इस तरह की घटना हमारे भारतीयों के साथ, भारत कश्मीर अलग तो नहीं, भारत का अभिन्न अंग है, तो भारत, क्योंकि ये इसको हम केवल कश्मीर की नज़रों से नहीं देखना चाहिए, भारतीय की नज़र से देखना चाहिए कि भारत के अंदर भारतीयों के साथ इस तरीके की घटनाएं भारतीय लोगों ने ही की है, क्योंकि जो यहाँ पर हमला करने वाले कुछ लोग बाहर से आए थे, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो कश्मीर में यहीं के लोग थे, जिन्होंने उनका सपोर्ट करके यहाँ के लोगों को इस तरह से विस्थापित होने में मजबूर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखेंगे, क्योंकि ये मूवी आपको एहसास कराती है, आपको जानकारी देती है आपके इतिहास की, जिससे आप लोग इतिहास को ध्यान रख के आगे भविष्य में अपना निर्णय ले सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपके कुछ थॉट्स हैं तो आप नीचे अपने जो थॉट्स हैं नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे सब तक ही जानकारी पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कश्मीर विवाद के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।